दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, जिसमें सोनेट, ओड, लिरिक, एलेजी और सटायर। ऐसे तो बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ पोएट्री होती है, लेकिन आज मैं आपको इन्हीं पांचों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग सोनेट की बात करते हैं। देखिए, सोनेट 14 लाइनों की एक शॉर्ट राइमिंग पोएम होती है, जिसे ओरिजिनली 13 या 14 सेंचुरी के आसपास दांते ने इन्वेंट किया था, और एक इटालियन फिलोसोफर था फ्रांसिस्को पेट्रार्क। आपने सुना होगा पेट्रार्कन सोनेट के बारे में, तो वो पेट्रार्कन सोनेट इसी फ्रांसिस्को पेट्रार्क के नाम पर इसका नाम पड़ा है। फिर बाद में सोनेट के बारे में बहुत से लोगों ने जाना, बहुत से राइटर्स ने जाना, और अपने अपने हिसाब से इसमें चेंजेस किए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्हीं राइटर्स में एक नाम शेक्सपियर भी था। दोस्तों, सोनेट की हर एक लाइन में आयम्बिक मीटर और लाइन एंडिंग राइम्स का यूज किया जाता है, और सोनेट बेसिकली दो टाइप्स की होती है, पहली पेट्रार्कन सोनेट और दूसरी इंग्लिश सोनेट, जिसे हम शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। मेरी पिछली एक वीडियो के अंदर मैंने शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम कुछ गलत बता दी थी, जिसके लिए मैं आप लोगों से फिर से माफी चाहूंगा। अब हम बात करते हैं ओड की। दोस्तों, ओड भी एक टाइप की फॉर्म ऑफ पोएट्री है सोनेट और एलेजी की तरह। ये एक टाइप का लिरिकल स्टेंजा होता है, जिसका स्ट्रक्चर किसी पर्टिकुलर चीज या कह लो इवेंट की तारीफ करने के लिए या उस चीज को ग्लोरीफाई करने के लिए तैयार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ओड टू ऑटम, ओड टू नाइटिंगेल, कुछ इस तरह से। अब इंग्लिश में ओड तीन टाइप्स की होती है, पेंडेरिक, हॉरेशियन और इरेगुलर। अब एक ओड लिखी कैसे जाती है? सबसे पहले किसी ऑर्डिनरी चीज को या जगह को चुन लिया, फिर उसे सब्जेक्ट दिया जाता है, यानी उसकी तारीफ में कुछ कहा जाता है, जैसे ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, द ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। उसके बाद डायरेक्टली आप अपने ऑब्जेक्ट से बात करने लगेंगे, उसके बाद उसे डिस्क्राइब करने के लिए कुछ एडजेक्टिव्स का यूज करेंगे, फिर उस ऑब्जेक्ट में जान डालने के लिए कुछ वर्ब जैसे पर्सोनिफिकेशन का यूज करेंगे, और कुछ रिपीटेड लाइंस का। तीसरा फॉर्म ऑफ पोएट्री है लिरिक। लिरिक, जिसका यूज मन के भावों और विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। ये टर्म ओल्ड ग्रीक लिटरेचर से बाहर आई है। एरिस्टोटल का नाम तो आपने सुना ही होगा, अरस्तु। इसने भी पोएट्री को तीन ब्रॉड कैटेगरीज में बांट दिया था, पहली लिरिकल, दूसरी ड्रामेटिक और तीसरी एपिक। ध्यान रखना, ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा था। ऐसे तो हम अगर देखें तो बहुत सारे टाइप्स है पोएम की, जैसे हाइकू, पास्ट्रल, टेजारिमा, बैलेड, इमेजरी, एपिक पोएम्स, एलिजीज वगैरह वगैरह। लेकिन हम तो बात कर रहे थे कि लिरिक क्या होती है। लिरिक, जैसे मान लो रेडियो पे हमारा कोई फेवरेट सॉन्ग बजने लगा, तो ज्यादातर लोगों की तरह हम भी उस गाने के साथ गाने लग जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हम एक टाइप की पोएट्री गा रहे हैं। अगर हम लोग सॉन्ग को भी एक टाइप की लिरिक पोएट्री कहें तो कुछ गलत थोड़ी होगा, क्योंकि एक लिरिक पोएम में भी म्यूजिकल क्वालिटीज होती है, और उसमें एक टाइप की स्पेशल मेलोडी होती है जो हमें उसके साथ गाने पर मजबूर कर देती है। तो लिरिक एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है जिसका यूज अपने इमोशंस, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं एलेजी की। इंग्लिश लिटरेचर में एलेजी पोएम का एक सीरियस रिफ्लेक्शन होता है। यूजुअली किसी करीबी की डेथ हो जाए और उस डेथ पर रोने के लिए एलेजीज लिखी जाती है। सीधी भाषा में कहूं तो एलेजी एक टाइप की सैड पोएम होती है, अ पोएम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेस सैडनेस, एस्पेशली फॉर समबडी हु हैड डेड। दोस्तों, ये एलेजी जो शब्द है, ये एक ग्रीक वर्ड एलेगा से निकल करके आया है, जिसका मतलब होता है अ मॉर्नफुल पोएम। मॉर्नफुल का मतलब होता है दुखी। अब मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर में कुछ फेमस एलेजीज के नाम बताता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ फीचर्स बताऊंगा एलेजीज के, मतलब एलेजीज में होता क्या है आखिर, ये कैसे लिखी जाती है। देखिए, एलेजीज की शुरुआत जैसे पुराने क्लासिक एपिक्स में होता था, उनकी स्टार्टिंग में कुछ म्यूजेस यानी कि देवियों को याद किया जाता है, MUSES, म्यूजेस, और फिर उसके बाद पोएट क्वेश्चन उठाना शुरू करता है। क्वेश्चन किस टाइप के? अबाउट डेस्टिनी, जस्टिस एंड फेट, कि ऐसा क्यों हुआ, जस्टिस नहीं हुआ वगैरह वगैरह। नेचर से क्वेश्चन पूछता है पोएट। अब मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर में कुछ फेमस एलेजीज के नाम बताता हूं, जैसे पहली बेन जॉनसन की ऑन माय फर्स्ट सन, दूसरी है जॉन मिल्टन की लेसिडस, तीसरी है थॉमस ग्रे की एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, चौथी है लॉर्ड टेनिसन की इन मेमोरियम AHH। वैसे तो इनके अलावा भी बहुत फेमस फेमस एलेजीज है इंग्लिश लिटरेचर में। अब मैं बात करता हूं हमारे आज के लास्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री सटायर की। दोस्तों, सटायर का मतलब भी
व्यंग्य करना होता है किसी पर, एक तरह से आलोचना करना, किसी मूर्ख व्यक्ति के विचार और उसके बिहेवियर की आलोचना करना। कोई चीज मान लो उसकी अच्छी नहीं लगे आपको, आजकल तो इंटरनेट पर मीम्स बना करके भी सटायर किया जाता है लोगों पर। इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम सटायर्स की बात करें तो सबसे पहला नाम जबान पर आता है जॉर्ज ऑरवेल का, जिन्होंने अपनी बुक्स एनिमल फार्म और 1984 में इतना तगड़ा व्यंग किया है। दोनों पर वीडियोस बना रखी है मैंने, तो जॉर्ज ऑरवेल। इसके अलावा पोएम्स में पोप, अलेक्जेंडर पोप, ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं। अब मैं सटायर की आपको एक छोटी सी डेफिनेशन देता हूं। द यूज ऑफ ह्यूमर टू अटैक अ पर्सन एन आइडिया और बिहेवियर दैट यू थिंक इज बैड और सिली।